अरे यार पता नहीं ये सिंचन और चौप सुबह से इतना ज्यादा शोर क्यों कर रहे हैं घर के बाहर। यार इनको तो आज मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। यार हर बार का हो गया भाई, जिस दिन मैं काम के लिए छुट्टी लेता हूँ यार उस दिन घर में इतना ज्यादा शोर करते ना ये लोग। यार थोड़ा भी आराम नहीं करने देते ये लोग मुझे। आज तो यार इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं यार, चुपचाप से अपने आरसी कार के साथ खेल लेते। ये देखो यहाँ पे कुछ नया नाटक चालू हो गया इन लोगों का। अबे भाई कल वे क्या हो गया, इतना गुस्से में लग रहा है तू? हाँ तो भाई सुबह से तुम दोनों इतना ज्यादा आवाज क्यों कर रहे हो घर के बाहर? अबे भाई कल वे हम दोनों बोर हो रहे थे तो यार पता नहीं सिंचन को क्या हो गया, वो रोने लग गया। क्या सिंचन रो रहा है? अबे हाँ भाई कलवे सच में सिंचन रो रहा है, देख उसकी तरफ। भाई जा यार, मुझे लगता है तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो मेरे सामने। अबे नहीं भाई कलवे तुझे दिखाई नहीं देता वो कितना ज्यादा उदास बैठा हुआ है। हाँ तो भाई बैठने दो, मुझे क्या कर रहा है। अरे यार फ्रैंकी भैया तुम यार थोड़ी भी दया नहीं खाते मेरे ऊपर? तो यार कैसी दया खाओ यार तुम दोनों के ऊपर? यार एक दिन तो आराम करने के लिए मिलता है मुझे, और यार तुम दोनों इतना ज्यादा शोर करोगे तो यार कैसे आराम करूंगा मैं घर के अंदर। और ऊपर से तुम्हें पता ही है भाई यार, मैं सुबह 7 बजे काम पे जाता हूँ तो रात को 12 बजे घर पे आता हूँ। तो यार संडे के दिन यार एक दिन आराम करने मिलता है, उस दिन भी यार तुम लोग ऐसे सताओगे तो कैसे चलेगा यार। अबे तो भाई कल वे चलना भाई कहीं घूमने जाते हैं। अरे हाँ यार फ्रैंकी भैया चलना यार कहीं घूमने जाते यार, इसलिए मैं रो रहा हूँ घर पे बैठे बैठे पक गया हूँ मैं। हाँ तो भाई अपने आरसी कार के साथ खेल लेना या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जा। अरे नहीं यार मुझे नहीं खेलना अपने दोस्तों के साथ यार, वो लोग मुझे हर बार सताते। फ्रैंकी भैया यार तुझे हर बार सताते? मैंने तो सुना यार वो तो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे नहीं यार फ्रैंकी भैया कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, आपको पता है मेरे वीडियो को तो कोई लाइक भी नहीं करता और ना ही मेरे चैनल को भी कोई सब्सक्राइब करता है। जा जा भाई झूठे, मैंने देखा है सभी लोग तेरे वीडियो को लाइक करते, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, और यार भाई सभी लोग तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और भाई मैं भी, बट यार आज तू भाई मुझे गुस्सा दिला रहा है बहुत ज्यादा। हाँ तो चलो ना यार कहीं दूर घूमने जाते, बीच पे या फिर माउंट चिल्लियाड के ऊपर। नहीं यार भाई मुझे नहीं आना यार, भाई मुझे आराम करना है घर में बैठकर। अरे यार चलो ना यार फ्रैंकी भैया, नहीं तो यार हम दोनों घर के अंदर ऐसे ही शोर करते रहेंगे। पर यार मैं तो नहीं आ रहा भाई, मुझे तो आज आराम करना है भाई, बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली मुझे आज। अरे यार प्लीज यार चलो ना यार फ्रैंकी भैया, नहीं तो यार हम दोनों घर छोड़ के चले जाएंगे। अबे जाओ भाई, मैं तुम दोनों के यार छोटी मोटी धमकियों से नहीं डरने वाला। क्या यार तुम्हें झूठ लग रहा है? हाँ भाई बिल्कुल झूठ लग रहा है मुझे ये तेरी सारी बातें। रुको यार मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ भाई क्या कर लेगा सिंचन तू? अरे यार फ्रैंकी भैया बहुत दिन हो गए आप हम दोनों को कहीं घूमने ही नहीं लेके गए, अभी मैं आखिरी बार आपको पूछ रहा हूँ आप लेके जा रहे हो या फिर नहीं? नहीं लेके जा रहा भाई। अच्छा ठीक है यार रुको अभी आपको बताता हूँ। ये दिए टक्कर, अपना सर फोड़ दूंगा, देखना आज अपना सर फोड़ दूंगा और बाद में पुलिस में जाके आपके नाम की कंप्लेंट दे दूंगा। अबे भाई सिंचन तू ये सब क्या कर रहा है? भाई ये सब मत कर भाई, लग जाएगी सिंचन तुझे। नहीं यार रुको अभी देखो, और एक बार टक्कर मार दी, लग गई यार, कोई दया ही नहीं खाता इस नन्हे मुन्ने बच्चे के ऊपर। अरे सिंचन तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ भाई मत कर, भाई लग जाएगी। अरे नहीं यार भाई मैं तो करूंगा, अपना सर ही फोड़ के रहूंगा, लेट्स गो। फोड़ दिया, लग गई यार बहुत जोर से इस बार तो। अरे भाई रुक जा भाई सिंचन, लेके जाता हूँ मैं। क्या सच्ची में? हाँ भाई सच्ची में लेके जा रहा हूँ। अरे यार बता तू कहाँ लेके जा रहे हो? जाएंगे बीच के ऊपर। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, मजा आएगा यार आज तो, आज बीच पे जाएंगे ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। अबे भाई कल वे तो चल यार फटाफट से निकलते, बीच पे जाके घूमेंगे तीनों मिलकर और बढ़िया तरीके से बर्गर भी खाएंगे। हाँ भाई यार चलो चलो जाना ही पड़ेगा यार, तुम दोनों ने भाई दिमाग खराब कर दिया। एक दिन तो मिलता है भाई आराम करने के लिए, उसमें भी भाई तुम दोनों को घूमने जाना होता है। अभी तो यार चलो भाई निकलते यार फटाफट से, जाकर भाई एक दो घंटा इन दोनों को घुमा लूंगा और बाद में भाई लेके आ जाऊंगा फिर से घर पे, भाई मुझे आज आराम करना है यार। अरे यार कोई दिक्कत की बात, एक दो घंटे में यार हम दोनों का मन तो भर ही जाएगा। हाँ भाई कल वे मन तो भर जाएगा हम दोनों का, पर बर्गर तो खिलाना पड़ेगा तुझे। हाँ भाई खिला दूंगा, तो बैठ तो सही पहले। हाँ रुक जा भाई अभी बैठता हूँ। अबे चल चल लेट्स गो कल वे। चलो गाइस निकलते अभी फटाफट से बीच की तरफ और वहां जाके यार इन दोनों को भाई जितनी मस्ती करने दो। करेक्ट एक घंटे बाद इन दोनों को मैं घर पे लेके आने वाला हूँ, बस भाई थोड़ी सी भी शरारत करोगे ना तुम लोग भाई वही पर पिटाई कर दूंगा तुम दोनों की मैं। अबे भाई कल वे 1% भी शरारत नहीं करेंगे हम दोनों। हाँ भाई मुझे पता है तुम दोनों भाई कैसे हो और कितने शरारत कर सकते हो और क्या कर सकते हो, अगर भाई किसी ने भी कंप्लीट कर दी ना भाई तुम दोनों देख लेना। अरे यार फ्रैंकी भैया फिलहाल तो अभी तुम फटाफट से ले चलो यार, दिमाग मत खराब करो। हाँ भाई लेके जा रहा, उल्टा जवाब बहुत दे रहा सिंचन आजकल तू। अरे यार तो चलो ना यार फटाफट से यार, हर बार हम दोनों की शरारत निकालते रहते हो, और यार थोड़ा देख के चलाओ यार, ठोको मत गाड़ी को। हाँ तो यार तुम दोनों ऐसी बकबक करोगे तो वो तो होते ही रहेगा। 1 सेकंड यार फिर से हो गया, छोड़ो यार गाइस अभी चलते हैं फटाफट से यार बीच की तरफ और वहां जाके देखते आज का दिन कैसे जाता हमारा। एंड गाइस जब तक हम लोग बीच की तरफ जाते तब तक गाइस तुम यार फटाफट से जाके इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आपको सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो अभी चलते फटाफट से बीच की तरफ, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके बीच के ऊपर और ये देखो हमारी गाड़ी की हालत भाई साहब, 2 बार ठोकी ना मैंने भाई पूरी गाड़ी खराब हो गई, और यार अभी इसका खर्चा तो बहुत ज्यादा होने वाला है। बट छोड़ो यार ये लोग अभी पीछे पड़े थे तो यार भाई इनके लिए तो यार करना ही था मुझे। अभी यार भाई सबसे पहले काम करते, भूख लगी तो यार सबसे पहले
पेट पूजा कर लेते यार, कहीं पर बर्गर मिलेगा यहाँ पर है। अरे हाँ भाई यहाँ पर तो बर्गर वाला है, आजा भाई फटाफट से सिंचन चौप, बर्गर खाते सबसे पहले और बाद में जाएंगे पानी के अंदर। अरे हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल, पहले यार दो दो बर्गर खिला दो हम दोनों को। हाँ बर्गर तो खिला दूंगा, पर यहाँ पे तो कोई बर्गर वाला है ही नहीं। बट यार यहाँ पे कोई और बर्गर वाला दिख नहीं रहा। हेलो सर, आपको पता है ये बर्गर वाला कहाँ चला गया? नहीं मुझे नहीं पता। तो कहाँ मिलेगा बर्गर? अरे नहीं पता, जाओ यार भाई, ढंग से कोई शॉपिंग भी नहीं करने देते। अबे यार ये तो चला गया भाई, उल्टा जवाब दे के छोड़ो भाई। यार ये लॉस सैंटोस के लोग भाई बहुत ज्यादा उल्टा जवाब देते। छोड़ो यार, अभी ये बर्गर कहाँ मिलेगा? बर्गर यार, बर्गर वाला मिल क्यों नहीं रहा यार आज तो। देखो गाइस यार, वो गाड़ी, उसके आगे की गाड़ी और ये बर्गर की गाड़ी, यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं है। ये लोग कहाँ चले गए यार? अरे यार पैंकी भी, मुझे लगता है वो लोग बीच के ऊपर चले गए होंगे पानी के अंदर तैरने के लिए। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लोग तो भाई अपना धंधा छोड़ के चले गए, कुछ तो हुआ होगा मुझे ऐसा लग रहा है। अबे छोड़ना भाई, कल वे बर्गर जाते वक्त खा लेंगे, अभी तो चल भाई फटाफट से पानी के अंदर नहाएंगे ठंडे ठंडे पानी में, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ भाई चलो यार, जाते फटाफट से बीच के ऊपर। आओ भाई गाड़ी को वही रहने दो, अभी फटाफट से चलते बीच के ऊपर। और सोच रहा भाई मैं भी चलूं पानी के अंदर, यार बहुत दिन हो गए हम लोग घूमने नहीं गए थे कहीं पे। अभी भाई बड़े दिनों बाद मौका मिला है सिंचन और चौप के वैसे, तो यार अभी जाते पानी के अंदर भाई, मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है। और ये क्या भाई पार्क ऑफिस, ये तो पहली बार देखा है मैंने, ये कौन सा पार्क खुल गया भाई बीच के ऊपर? और यार भाई तुम दोनों आओ यार फटाफट से, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे हाँ यार रुको रुको यार, बस आ ही रहे आपके पीछे पीछे। आगे क्या भाई तुम दोनों? अरे हाँ यार चलो यार, तुम्हारे पीछे ही चल रहे यार, चलो ना यार पानी के अंदर जाते फटाफट से यार, ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे आज तो मजा आएगा। हाँ भाई सुबह से तू चार बार बोल चुका है। और ये देखो यार सारे लोग यहाँ पे सनबाथ ले रहे हो। गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ले लूँ भाई सनबाथ यहाँ पे लेट कर, भाई मजा आएगा सनबाथ लेने के लिए। अरे यार ऊपर से काले हो और भी काले बन जाओगे बंदर की तरह। अबे नहीं भाई इतना भी काला नहीं हूँ मैं। अबे भाई कलवे तू बहुत ज्यादा काला है, इससे काला बन जाएगा तो भाई लोग तो इससे डर के भागेंगे। अबे हाँ रहने दे भाई यार, ये लोग भाई हर बार बेइज्जती करते मेरी। अभी तो भाई चलो यार जाते फटाफट से पानी के अंदर, लेट्स गो मजा आने वाला। आओ भाई तुम दोनों फटाफट से। अरे हाँ यार रुको, आ ही रहे तुम्हारे पीछे। अरे यार फेंकिंग भैया, फेंकिंग भैया सुनो ना यार। क्या हो गया भाई पानी में आ रहा है ना तू? अरे नहीं यार सुनो ना फेंकिंग भैया। क्या हो गया भाई बोल बोल, क्या हो गया? डर लग रहा है तुम दोनों को पानी के अंदर आने के लिए? नहीं यार ये देखो हमारे साइड में क्या है। क्या है भाई हमारे साइड में? दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। अबे भाई कल हुआ सिंचन बोट के बारे में बोल रहा है। कौन सी बोट? एक सेकंड, ये रही बोट। हाँ तो भाई क्या हो गया बोट का? अबे भाई चल ना कलवे, जाते बोट में घूमेंगे पानी के अंदर। अबे नहीं भाई इतने पैसे कहाँ हमारे पास? अरे यार चलो ना एक बार पूछ तो लो यार कितने पैसे लगेंगे। अरे यार बहुत महंगी रहेगी वो बोट। चलो यार छोड़ो, पानी के अंदर जाएंगे और तैरेंगे भाई, स्विमिंग करेंगे तीनों मिलकर। अबे नहीं भाई कलवे चलना यार, बहुत दिनों बाद घूमने आए, चलना यार फटाफट से जाते पानी के अंदर। अरे नहीं ये बोला ना भाई मेरे पास इतने पैसे घूमने के लिए, क्यों रुला रहे छोटे बच्चे को? नहीं तो यार मैं सभी लोगों को चिल्ला के बोल दूंगा यार तुमने मुझे किडनैप करके रखा है। क्या किडनैप करके रखा? कब? अरे यार मैं बोल दूंगा यार अगर तुम मुझे बोट में नहीं घुमाओगे तो। अबे यार सिंचाई तेरी हर बार का यार, ये तुझे मैंने पहले बोला था ना कोई शैतानी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। अरे यार तो चलो ना यार बोट में घूमेंगे। अबे यार दिमाग खराब कर रहे हो, रुक जाओ भाई पूछने दे कितने महंगी इनकी बोट्स। हेलो सर, ये आप बोट रेंट पे देते हो? जी बिल्कुल, बोट रेंट पे देता हूँ मैं। तो सर सस्ती बोट दिखा दोगे आप मुझे? यहाँ पे कोई सस्ती बोट नहीं मिलती। तो यार कोई भी महंगी बोट दिखा दो। अबे तू शांत बैठेगा सिंचन? हाँ यार चलो चलो शांत बैठ गया। अरे यार सर ऐसी बोट बता दो जिस बोट को हम रेंट पे ले सकते हैं, या फिर छोड़ो यार हमें नहीं लेनी बोट रेंट पे। अरे सर है एक बोट, ये जो मेरी पीछे खड़ी ये बोट ले जा सकते हैं आप। तो यार बोलो बोलो भाई कितने पैसे लोगे आप इसके? दे दो 2000 रुपए। 2000 रुपए? भाई पागल हो गया तू? अरे यार सर चलो 1500 दे दो और ले जाओ बोट को। ये हुई ना बात, ये ले भाई 1500। अभी चलो भाई आ जाओ यार, बैठ जाओ भाई फटाफट से बोट में, निकलते भाई मजे करेंगे आप तो। यार मुझे नहीं पता था इतने सस्ते में मिल जाएगी। अबे आओ ना तुम लोग फटाफट से। अरे हाँ यार रुको अभी आते हैं, चलो चलो लेट्स गो, चलो फ्रैंकी भैया। हाँ भाई चल रहा हूँ, चिल्ला मत यार भाई, ये लोग तो दिमाग खराब कर देते। लेट्स गो गाइस, मजा आ रहा है भाई साहब बोट चलाने के लिए। और भाई आई थिंक हम लोग पहली बार आए बीच के ऊपर बोट पे। और भाई मैं आई थिंक गया नहीं हूँ यार यहाँ से आगे तक, मतलब पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है। चलो गाइस देखते अभी टूर कर लेंगे। और वैसे भी यार हमारे पास 1 घंटा है, तो यार 1 घंटे में भाई पूरा ये समुंदर घूम लेंगे। और भाई कलवे कैसी बातें कर रहा है, 1 घंटे के अंदर कैसे समुंदर घूम लेगा तू? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था भाई, आजा यार मजे करेंगे भाई साहब, मजा तो आ रहा है। वैसे गाइस आपको भी मजा आ रहा है तो गाइस जाओ यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार गाइस हमारे चैनल के ऊपर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली आती रहती है। अरे हाँ यार गाइस यार जाओ फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तो यार हम तीनों मिलकर इस बोट के मजे ले रहे यार, अगर आपको भी लेने तो यार फटाफट से कमेंट के अंदर यस लिख देना। अभी तो चलते यार, मजा तो बहुत आ रहा है यार फैंकी भैया। एक काम करते यार चलो यही पर पानी के अंदर उतर जाते, देखते यार पानी के अंदर कौन सी मछलियां है। अबे भाई तुझे तैरना तो आता है?
क्या? ठीक है गाइस, आप भी जाता हूँ पानी के अंदर। मैं भी सोच रहा था भाई एक डुबकी तो लगा ली जाए इतने अंदर आए तो। लेट्स गो गाइस, लगाता हूँ डुबकी। भाई तुम लोग मत आना पानी के अंदर। अरे हाँ यार, नहीं आऊंगा, यही से बस देखूंगा मैं। भाई तू तो कूद गया यहाँ पर रुकने का बोल के। अरे यार चलो ना पैंकिंग भी, मैं भी आना चाहता हूँ। अबे यार सिंचन मत आ भाई, डूब जाएगा पानी के अंदर। नहीं यार मुझे तो आना है। अबे चल भाई तू ऐसा है का? अरे यार पानी के अंदर देख रहा हूँ कौन कौन सी मछलियाँ है। ठीक है भाई देख ले। वैसे गाइस चलो यार पानी के अंदर चलते, आ जाओ भाई सिंचन मेरे पीछे पीछे। अरे हाँ यार चलो आ ही रहा हूँ। आ जाओ यार, मजा तो आ रहा है यार। भाई क्या समुंदर है यार, भाई पानी के अंदर देखो एकदम नीला नीला पानी, और ये देखो मछली। भाई साहब पानी के अंदर क्या ही ब्यूटीफुल दुनिया यार। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, पानी के अंदर हम दोनों को आना चाहिए था या फिर नहीं यार? क्योंकि मैंने सुना यार ये लॉस सैंटोस के नदी के अंदर भाई बहुत खतरनाक खतरनाक शार्क्स है। अभी तो भाई चलो देखते चलो यार और एक बार डुबकी लगाते। लेट्स गो भाई, थोड़ा नीचे जाते इस बार एंड देखते भाई कोई मोती वोती मिलता है। एक सेकंड, वो क्या चमक रहा है भाई? सिंचन देख रहा है तू? अरे हाँ यार देख रहा हूँ मैं, क्या दिख रहा है आपको? अरे वो देख भाई, कुछ तो चमक रहा है वहाँ पे। कहाँ पर यार? इधर आ भाई, ये देख, ये देख मेरे सामने ही चमक रहा है। भाई साहब ये क्या चीज है यार जो चमक रही है यहाँ पे? रुको यार पास जाके देखने दो। लेट्स गो गाइस, ये कुछ यूनिक चीज होने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है। अरे हाँ यार ये कुछ तो चीज है यार। अरे हाँ भाई ये तो अंडे की तरह दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है यार आपको बताओ तो सही। सिंचन तू रुक जा ऊपर, भाई मैं ऊपर लेके आता हूँ इस चीज को। वैसे गाइस इसको टच करूँ या फिर नहीं? भाई मुझे डर लग रहा है। बट यार गाइस मैं सोच रहा हूँ यार अगर ये किसी मरमेड का अंडा होता हो, जो यार होती ना समुन्दर की जलपरी, यार अगर ये उसका अंडा हुआ तो यार भाई साहब हमारे स्विमिंग पूल में जलपरी रहेगी। चलो यार भाई इसको फटाफट से ऊपर ले चलते हैं, बाद में देखते भाई इस अंडे का करना क्या है। लेट्स गो चलते अभी फटाफट से ऊपर। भाई इसको ऊपर जल्दी से लेके जाना होगा और सिंचन को भी दिखाना है मुझे यार, उसने तो देखा ही नहीं अभी तक ये कौन सी चीज मिली मुझे। और गाइस आपको क्या लगता है ये किस चीज का अंडा होगा यार? फिलहाल तो भाई बोट किधर है मेरी? अबे भाई बोट किधर है? अरे यार फैंकी बे, बोट लेकर तो हम दोनों बीच पे आ गए। क्या बीच पे आ गए तुम दोनों? अरे हाँ यार हम दोनों को लगा तुम डूब गए। अबे यार भाई तुम दोनों पागल हो यार, उस अंडे को लेने भी नहीं दिया मुझे और उतने में चले गए बीच के ऊपर। अबे यार ये दोनों तो भाई दिमाग खराब कर देते हर बार। वैसे तो भाई मुझे डर तो लग रहा है इस अंडे को ले जाते हुए, क्योंकि यार भाई पहली बार देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में इतना बड़ा अंडा, वो भी समंदर के अंदर मिला है। अभी चलो भाई बीच के ऊपर जाकर पता चलेगा हमें ये किस चीज का अंडा है, और अगर किसी को नहीं पता है तो भाई घर लेके जाएंगे। अगर भाई किसी चीज का नहीं हुआ तो भाई पका के खा लेंगे, इतना क्या सोचना है इसमें। अभी तो चलता हूँ भाई फटाफट से बीच के ऊपर। लेट्स गो चलते हैं भाई, लेट्स गो। अभी बहुत ज्यादा दूर जाना है मुझे। वो देखो यार वो रहे सिंचन और चौप, भाई ये दोनों पहुंच गए मुझे छोड़कर। भाई साहब इनको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। फिलहाल तो भाई इस अंडे को देखो अभी भाई देखने के लिए मिल रहा है भाई क्लियरली कौन सा अंडा है। एंड यार एक सेकंड भाई, ये चमक किस चीज की यार इसके ऊपर? अरे यार फैंकी भी ये किस चीज का अंडा लेके आ गई यार? अब तो पता नहीं भाई, मुझे पानी के अंदर दिखा और भाई चमक रहा था तो भाई मैंने सोचा चलो इसको ले चलते अपने घर पे। अबे भाई कल भी अगर किसी बड़े जानवर का अंडा हुआ तो? क्या मतलब बड़े जानवर का? अबे भाई व्हेल का अंडा हुआ तो? अबे भाई व्हेल का अंडा इतने सा थोड़ी होगा, व्हेल तो भाई कितनी ज्यादा बड़ी होती है, व्हेल का थोड़ी होगा भाई। चलो घर पे जाकर ही देख लेंगे ना। अबे भाई कलवे सुन ले मेरी बात, छोड़ दे इस अंडे को फिर से पानी के अंदर। अबे नहीं भाई मैं नहीं छोड़ रहा। चलो भाई यार फटाफट से आ जाओ भाई घर पर, जाकर देखते भाई ये किस चीज का अंडा है। चलो भाई मैंने अंडे को तो रख दिया ऊपर, और तुम दोनों को आना है भाई मेरे साथ तो आओ भाई, नहीं तो मैं अकेला जा रहा हूँ घर पे। अरे यार फैंकी भी ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो यार हम दोनों की वजह से? यार तुम आए थे बीच के ऊपर। हाँ तो भाई चलो ना यार, इतनी ज्यादा बकबक क्यों कर रहे हो मेरे सामने यार, फटाफट से निकलते यार यहाँ से। अबे भाई कलवे पर तुझे क्या लगता है ये किस चीज का अंडा होगा? वो तो भाई अभी घर जाके पता चल जाएगा जब हम लोग इसको फोड़ेंगे। अबे भाई कलवे सुन मेरी बात, मुझे लगता है ये कोई डरावना सा अंडा है, खतरनाक सा। इसके अंदर से देख कैसे चमक निकल रही है। हाँ अभी वो तो भाई फोड़ने के बाद ही पता चलेगा ना हम लोगों को। चलो गाइस यार जाते फटाफट से घर पे जाके, वही जाकर देख लेंगे यार ये किस चीज का अंडा है। मतलब यार लिटरली देखो ना यार, इतना ज्यादा बड़ा अंडा, और ये अंडा देखो यार लगभग डायमंड की तरह चमक रहा है, और ऊपर से भाई गोल्ड की तरह चमक निकल रही है यार, मतलब स्टार्स निकल रहे छोटे छोटे। देखो यार आप भी देख सकते हो इस अंडे के ऊपर। बट छोड़ो भाई अभी जाकर ही देखेंगे घर पे जाके मतलब ये किस चीज का अंडा है। भाई सिंचन तू फटाफट से इस अंडे को लेकर नीचे आ जा। अरे हाँ यार ठीक है अभी लेकर आता हूँ। आ जा भाई सिंचन फटाफट से अंडे को लेकर। तू भाई मैं अभी इसको फ्राई करने की तैयारी करता हूँ। नहीं यार गाइस मैं मजा कर रहा हूँ, अभी इसको फटाफट से फोड़ते एंड देखते भाई ये किस चीज का अंडा होने वाला है। लेट्स गो गाइस, सिंचन लेके आ चुका अंडे को नीचे। अभी फटाफट से ड्रिल मशीन से भाई इसको तोड़ने के लिए देखता हूँ, क्योंकि भाई अभी लाते वक्त सिंचन के हाथ से गिरा था और ये अंडा इतना ज्यादा मजबूत है कि भाई ये टूट ही नहीं रहा था। तो गाइस चलो एक काम करता हूँ, फटाफट से ड्रिल मशीन से इसको तोड़ने के लिए ट्राई करता हूँ। एक सेकंड गाइस, यार मैं आधे घंटे से इस अंडे को तोड़ रहा हूँ, भाई साहब ये टूट ही नहीं रहा यार। क्या यार ये टूट नहीं रहा अभी तक? वही तो भाई यार, ये अंडा तो टूट ही नहीं रहा भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई साहब मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ भाई, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ भाई, यार मेरी गर्दन भी दुख रही, फिर भी यार भाई साहब ये अंडा टूटने का नाम नहीं ले रहा। वैसे भाई और अभी तक कुछ पता नहीं चला कि ये किस चीज का अंडा है। रुको बच्चे मुझे मत तोड़ो। क्या, कहाँ से आवाज आई यार ये?
क्या हो गया फैंकी भैया, किसने आवाज दी आपको? पता नहीं यार, किसी ने तो आवाज दी थी मुझे यार, कोई तो बोला कि मत तोड़ो मुझे। क्या मुझे तो नहीं सुनाई दी यार, छोड़ यार ये फैंकी भैया के कान बज रहे। अरे यार प्लीज मुझे मत तोड़ो यार, ये तो आवाज मुझे भी आई यार। अरे यार फैंकी भैया कोई तो बोल रहा है मुझे मत तोड़ो। क्या सिंचन तुझे भी आई ना अभी आवाज? अरे हाँ यार मुझे भी आई यार, मुझे लगता है इस अंडे में से आवाज आ रही है। क्या अंडे में से आवाज आ रही है? अरे हाँ यार ऐसा तो लग रहा है यार मुझे भी। अरे बच्चे प्लीज मत तोड़ो मुझे, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या गुस्सा आ रहा है, कौन हो भाई तुम और आवाज कहाँ से दे रहे हो? अरे मैं इस अंडे में से बोल रहा हूँ। क्या अंडे में से आवाज आ रही है? भाई कौन हो तुम, अंडे के अंदर बैठे हो? रुको अभी बाहर आता हूँ। एक सेकेंड, अरे तुम कौन हो और वो अंडा कहाँ चला गया यार? अरे बच्चे मैं ही था यार उस अंडे के अंदर, और मैं तपस्या कर रहा था, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे थे बच्चे? अरे परेशान परेशान थोड़ी किया हम लोगों ने आपको। तो ये क्या था जो तुम इस अंडे को तोड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे? अरे हमें लगा यार ये किसी मछली का अंडा है। नहीं, इसके अंदर मैं था और तुमने मेरी जो तपस्या भंग की है उसके तुम्हें सजा तो मिल कर रहेगी। अरे यार अंकल प्लीज यार ऐसे मत करो यार, फैंकी भैया तो बस देख रहे थे वो किस चीज का अंडा है। यार तुम्हें मैंने दो बार बताया था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे यार प्लीज यार दादाजी छोड़ दो ना यार मेरे फैंकी भैया को, प्लीज यार कुछ भी मत करो। अच्छा ठीक है इस बार छोड़ दूंगा, अगली बार परेशान किया तो देख लेना। सॉरी सॉरी अंकल मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। बट यार अंकल आप हो कौन वैसे यार? और यार आप अंडा कैसे बन गए थे? अरे मैं हूँ जादूगर, और मैं जो तपस्या करता हूँ उससे मैं बहुत बड़ी बड़ी जादुई शक्तियाँ सीखता हूँ। तो यार अंकल आप हमारी मदद कर सकते हो? कैसी मदद चाहिए तुम्हें मेरी? अंकल यार इतना अमीर बना दो कि यार हमारे पास कभी पैसों की कमी ना आ पाए। क्या पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ अंकल यार हम तीनों यार बहुत ज्यादा गरीब है, और यार छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेते। और यार अंकल आप अगर हमारी मदद कर देते तो यार हम तीनों अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अच्छा ठीक है बच्चा अभी मदद करता हूँ तुम्हारी। ओम ब्रीम श्रीम, इस बच्चे की प्रॉब्लम्स हो जाए स्क्रीम। अरे एक सेकंड ये क्या हो रहा है यार अंकल मेरे साथ? अरे बच्चे ये मेरे जादू का कमाल है, अब तुम देखो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है मेरे इस जादू खत्म होने के बाद। अरे यार पर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, ये धुआं कैसे निकल रहा है यार लिटरली गाइस आप देख रहे हो। अरे बच्चे सब्र करो, मेरा जादू कभी फेल नहीं होता, तुम देखना अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अरे यार पर पहले इस धुएं को तो रुकाओ भाई, बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार मुझे। लो बच्चे रुक गया धुआं। अरे हाँ यार धुआं तो रुक गया अंकल, बट यार ये अमीर तो नहीं बने यार हम तीनों अभी तक। अरे बच्चे मेरे जाने के बाद तुम किसी भी चीज को छू लेना, देखना तुम मेरा जादू कैसे काम करता है। अरे यार पर आपके जाने के बाद क्यों, अभी कर लेता हूँ ना। नहीं नहीं बच्चे रुको, दो मिनट में जाता हूँ टेलीपोर्ट। अरे एक सेकंड भाई, ये अंकल तो गायब हो गए यार। अरे हाँ यार फ्रैंकी भैया ये अंकल गायब कैसे हो गई यार? वही तो सोच रहा भाई मैं भी, वो अंकल गायब कैसे हो सकते हैं। एंड एक सेकंड उन्होंने कहा था कि भाई मेरे जाने के बाद किसी भी चीज को टच करके देख लेना भाई, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो लेट्स गो गाइस एक बार टच करके देखते, मुझे तो यार भरोसा नहीं हो रहा, बट करते टच इस बेंच को। एक सेकंड ये क्या हो गया भाई, ये तो सच्ची का गोल्ड है ना सिंचन? अरे हाँ यार फ्रैंकी भैया ये तो सच्ची का गोल्ड है यार, ये कैसे बन गया गोल्ड के अंदर? वही तो भाई मैं भी सोच रहा हूँ, ये वो बाबा जी का जादू का कमाल तो नहीं? अरे यार कहते में सच्ची में लगता है। अरे हाँ यार भाई उन्होंने कहा था ना मेरे जाने के बाद किसी भी चीज को टच कर लेना, और जैसे मैंने इस बेंच को टच किया है भाई वो गोल्ड के अंदर चेंज हो गया। एंड ये देखो भाई ये कितने सारे गोल्ड है यार, भाई साहब इतने सारे गोल्ड में तो मैं एक बड़ा सा मेंशन खरीद सकता हूँ। तो यार चलो मेंशन खरीद लेते। अरे हाँ यार उससे पहले भाई और भी चीजों को गोल्ड में चेंज करने दे, कहीं ये पावर चले ना जाए मेरे से। अरे हाँ भाई कल वे चल चल यार फटाफट से बहुत सारी चीजों को टच कर ले भाई साहब, कहीं ये पावर ना चली जाए, नहीं तो यार भाई लफड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। अरे वही तो यार भाई रुको यार फटाफट से सारी चीजों को टच कर देता हूँ, एंड उसके बाद में यार भाई पावर चली भी जाए तो यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स गो गाइस। अरे यार एक सेकंड भाई नीचे गिर गया। अबे यार भाई दिमाग खराब हो जाता है यार जब ऐसी चीजें होती है। फिलहाल तो गाइस अभी बस वो एक बड़ा सा अम्ब्रेला बचा है, बाकी भाई सारी चीजें टच हो गया, पर यार भाई अभी तक चेंज नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा यार मुझे। अरे यार फ्रैंकी भैया एक बार आपके पीछे तो देखो यार। क्या है मेरे पीछे भाई, रुक जाओ एक सेकंड। ओ भाई साहब गाइस देख रहे हो आप कितना सारा गोल्ड है। एक सेकंड भाई मुझे अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, ये देखो भाई यहाँ पर भी गोल्ड, वहां पर भी गोल्ड, हर तरफ गोल्ड ही गोल्ड यार। भाई साहब इतनी ज्यादा अमीर, भाई मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी एक काम करते यार, चलो भाई जाते साइमन के पास, उसके पास तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी होगी यार, चलो उसे एक बढ़िया वाली गाड़ी खरीद लेते गाइस, उसको एक गोल्ड दे देंगे यार साथ ही साथ। लेट्स गो गाइस फटाफट से बैठते अपने गाड़ी के अंदर, आ जाओ यार भाई फटाफट से। चलो गाइस लेट्स गो। एक सेकंड, अबे ये क्या है यार, ये टूटी फूटी गाड़ी हमारी, बट ये देखो ये भी गोल्ड के अंदर बदल गई। भाई साहब मतलब यार मैं किसी भी चीज को टच
कर रहा हूँ वो गोल्ड के अंदर चेंज हो रहा है। लिटरली भाई मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है। एक काम करते यार गाइस, इसी गाड़ी को साइमन को बेच देते हैं एंड भाई यार उसे एक बढ़िया सी सुपर कार लेके आते हैं एंड बाद में उसको भी गोल्ड की बना देंगे। और ऑलराइट गाइस, सिंचन और मैं पहुंच चुके साइमन के शोरूम पर। ये देखो ये रहा साइमन का शोरूम और वो देखो वो रहा साइमन खड़ा। भाई साहब चलो जाते हैं फटाफट से। हेलो भाई साइमन कैसा है तू? अरे फ्रैंकलिन बड़े दिनों बाद आना हुआ यार मेरे शोरूम के ऊपर, कैसे आना हुआ बोलो बोलो। भाई साइमन मुझे तुझे एक गोल्ड की कार बेचनी है, बता भाई कितने में खरीदेगा तू? तुम दिखाओ तो सही सबसे पहले कार। रुक जा भाई अभी दिखाता हूँ। भाई ये मुझे नहीं पता भाई कितने पैसे देने वाला है, बट यार गाइस जितना कि मुझे पता है लॉस सैंटोस के अंदर गोल्ड की कार बहुत ज्यादा रेयर है। मतलब यार जो बिलियनर से लॉस सैंटोस के अंदर उनके पास ही यार। और एक हम है यार जिनके पास गोल्ड में चेंज करने वाली पावर है। क्या कौन सी पावर है तुम्हारे पास? कोई नहीं यार बस ऐसे ही बोल रहा था मैं, तू मुझे बता भाई ये देखिए रही वो कार। क्या फ्रैंकलिन तुम्हारे पास गोल्ड की कार कहाँ से आई यार? पर यार इसकी हालत देखो बहुत ज्यादा खराब है। तो भाई तू बताना इसके पैसे कितने देगा मुझे? चलो दे दूंगा कुछ 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? और भाई तेरे पास कौन सी सबसे महंगी कार है वो भी बता दे। अरे यार फ्रैंकलिन वो देख रहे हो जो सबसे पहली खड़ी है लैम्बोर्गिनी, वो सबसे ज्यादा महंगी है। कितने की है भाई वो? वो है कुछ 30 करोड़ रुपए। अच्छा 30 करोड़, तो चल एक काम करता हूँ मैं तुझे बाकी का गोल्ड दे देता हूँ, उसके बदले भाई तू वो कार दे दे मुझे। ठीक है दे दो गोल्ड। ठीक है भाई रुक जा भी देता हूँ, इस इंसान को टच करो क्या? ये लगा हाथ, ओ भाई वो इंसान जा रहा था वो सीधा गोल्ड के अंदर चेंज हो गया। देख रहा भाई साहब इतना गोल्ड ठीक है ना तेरे कार के लिए? अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार। हाँ भाई कोई बात नहीं रख ले तू। ठीक है फ्रैंकलिन थैंक यू सो मच, ले जा सकते हो तुम उस कार को। ठीक है भाई थैंक यू सो मच, भाई मिल गई फाइनली कार। एंड लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से इस लैम्बोर्गिनी को चेंज करते यार अपने गोल्ड के अंदर। ऑलराइट गाइस अपनी गाड़ी बन चुकी गोल्ड की। भाई साहब देख रहे हो कैसी लग रही है। अरे यार फ्रैंकी भी गाड़ी देखो यार कितनी बढ़िया लग रही है यार गोल्ड की लैम्बोर्गिनी। वही तो भाई यार ये कितनी ज्यादा महंगी होगी, पहले तो भाई ये थी 30 करोड़ की, अब बन चुकी है भाई गोल्ड की, तो होगी यार कुछ 70-80 करोड़ की तो होगी ये कार। गाइस आपको क्या लगता है कितनी महंगी होगी ये कार? वैसे गाइस आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो आपकी फेवरेट कार का नाम। सिंचन और मैं मिलकर अगले वीडियो में जरूर से वो कार खरीदेंगे और उसको गोल्ड के अंदर चेंज करेंगे एंड फिर देखते गाइस आपकी फेवरेट कार कैसे लगने वाली। तो गाइस जाओ यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड यार बेल वाले आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। तो गाइस यार चलो मिलते सीधा भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।